हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस तरह का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और इस डिज़ाइन का यूज़ आप किसी भी अदर प्रोजेक्ट के लिए अपने हिसाब से कर सकते हो। और इस डिज़ाइन की हमारे पास टोटल 4 रो आएंगी और उसके बाद ये डिज़ाइन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। तो चलिए फिर आज हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिये बनाए हुए हैं जिसके ऊपर मैं ये वाला डिज़ाइन सेट करूँगी अभी। तो सबसे पहले हम 3 का चेन लेंगे। तो इसको हमने 1 डबल क्रोशे में काउंट करना है। अभी हम नेक्स्ट जो हमारे पास डबल क्रोशे है उसकी चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल हमने यहाँ पर 5 टाइम जो है वो डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारे पास 3 बार हो गया है, 4 टाइम, 5 टाइम। तो मैंने यहाँ पे 5 बार जो है वो डबल क्रोशिया बना लिया है। अभी हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर 5 चेन स्किप करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। और नेक्स्ट चेन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ऊपर हमने 5 चेन लेना है और नीचे हमने 5 चेन जो है वो डबल क्रोशिया स्किप करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 5 डबल क्रोशिया रह जाएंगे, तो उसके ऊपर हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने 5 बार यहाँ पर जो है वो डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो आई है। अभी हम हमारी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम 3 का चेन लेंगे और जो हमारे पास यहाँ पर 5 हमने जो डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके ऊपर हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। जो हमारी सेकंड रो है वो हमारी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सेम आएगी। हमने 5 के ऊपर 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में 5 चेन लेना है और फिर से हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद ये रो जो है वो रिपीट होती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 रो जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अभी हम हमारी थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। जो हमारी 2 रो हैं वो सेम आई हैं। तो थर्ड रो में हमने यहाँ पे पहले 3 का हम चेन लेंगे और उसके बाद हमने 5 चेन लेना है। तो यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे, 2, 3, 4, 5। तो टोटल ये हमारे पास 5 प्लस 3, यहाँ पर 8 हमारे पास जो है वो चेन आएंगी। और उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे बल लेना है और जो बीच के हमारे यहाँ पर 5 जो हमारे पास यहाँ पे चेन है यहाँ पे हमने अभी बनाना है डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट चेन है, अगर आप इस तरफ से नहीं देख पा रहे हैं तो आप सीधी तरफ से देख के बना सकते हो। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हमने 5 चेन लिया था तो यहाँ पर हमारा 5 टाइम जो है वो डबल क्रोशिया आएगा। तो हमें यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। मैंने 2 टाइम बनाया, अभी हम 3 टाइम बनाएंगे। फिर से बनाएंगे, 1 हमने लास्ट में बनाया। तो जहाँ पे हमने 5 चेन लिया था वहाँ पर हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। हर एक चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पे
अभी हमारे पास स्टार्ट हमने यहाँ पे 3 जो हमने चेन लिया था वो हमने डबल क्रोशे के साइज के अकॉर्डिंग, और 5 चेन जो हमने बीच में लूप यहाँ पे बनाया है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमने फिर से 5 चेन यहाँ पे लेना है जो हम लूप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे 5 चेन लिया और फिर हम यहाँ पे जो लास्ट में है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो मैंने ये जो थर्ड रो थी वो कंप्लीट कर ली है। अभी हम हमारी नेक्स्ट रो पे हैं। तो हमने फिर से यहाँ पे 3 का चेन लिया है जो कि हमारे डबल क्रोशे के साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो 5 चेन हमने यहाँ पे और लेना है। तो 5 प्लस हमारे पास यहाँ पे 3, 8 चेन हो जाएंगी। और उसके बाद फिर से सेम रो आएगी हमारी, ये डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 टाइम आएगा ये हमारा डबल क्रोशिया। तो 5 बार मैंने यहाँ पे जो है वो डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम इस रो के लास्ट में हैं। ये हमारी 4th रो है जो कंप्लीट होने वाली है, और उसके बाद हमारी हमने फर्स्ट रो बनाई थी वो यहाँ पे रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट में जब हम आएंगे तो हमने यहाँ पर 4 चेन लेना है, 5 चेन नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे 5 चेन लोगे तो जब आप यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाओगे तो फिर आपके पास एक डबल क्रोशिया यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 चेन लिया, और यहाँ पे जो हमारे पास 3rd चेन है वहाँ पे हमने इसको करना है ज्वाइन, अप्स में स्लिप स्टिच बनाना है। तो हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन। और अभी हमारी जो फर्स्ट रो है यहाँ पे रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 चेन लास्ट में इसलिए कहा है क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 का चेन लेंगे तो इसको हम 1 डबल क्रोशे में काउंट करेंगे, और 4 हमारे पास यहाँ पे चेन है तो ये टोटल 5 हो गया। अगर आप यहाँ पे 5 चेन लोगे तो फिर 1 प्लस ये हो जाएगा, तो आपका जो डिज़ाइन है यहाँ पे हमारे पास 6 डबल क्रोशे आएंगे। तो आपने लास्ट में 4 लेना है डिज़ाइन का चेन जो है, और बीच में जो है ये हमारे पास 5-5 चेन का ये सेट आएगा। और स्टार्टिंग में हमारे पास ये 8 जो है वो चेन आएंगी, 3 जो है वो हमारे पास आएंगे डबल क्रोशे के साइज के अकॉर्डिंग, और 5 जो आएंगे वो हमारे पास लूप के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये बहुत इजी डिज़ाइन है। इसके बाद हमारी ये वाली रो यहाँ से रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है, फिर से ये वाली रो रिपीट होगी। तो आप इस डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो, और किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, और ये डिज़ाइन बनाने में बहुत आसान है, आप इसे बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।